बोल रहे थे आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा, और अब ट्रेन की तरह लेट होते जा रहे हैं। क्या हुआ, खुद से ही बात कर रही हो? मुझसे आधे घंटे में लौटने का बोल गए थे ना। हाँ, तभी तो तुमने जाने दिया था। कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है मैंने। अब वो दिन दूर नहीं जब पतियों को घर से बाहर निकलने के लिए भी जमानत लेनी पड़ेगी। सुनो, ये घड़ी बंद है क्या? अभी तो चल रही थी, सेल खत्म हो गए होंगे। इस घर में चाय पत्ती हो, शक्कर हो, सेल हो, सब एक हफ्ते में खत्म हो जाता है क्या? अरे हाँ, अभी पिछले हफ्ते ही सेल डले थे इसमें। लगता है खराब हो गई है। तुम्हारे मायके से आई हर चीज इतनी जल्दी बिगड़ क्यों जाती है? हर चीज मतलब? मतलब घड़ी, कूलर और भी कई चीजें हैं। समझ रही हूँ, इसका मतलब क्या है? अब इसको सुधरवाऊं कि दूसरी ले आऊं? इसी को सुधरवाओ। इसी को सुधरवाऊं? अरे कम से कम घड़ी तो दूसरी लाने दो। अच्छा, अब याद आया। क्या ये घड़ी मेरे मायके से आई ही नहीं है? तो क्या पड़ोसी के दहेज का सामान हमारे घर में रखा है? अच्छा, मतलब तुम कहना चाहते हो कि हमारी शादी से पहले तुम्हारे घर में घड़ी भी नहीं थी? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, घड़ी तो थी। हाँ तो मैं भी यही बोल रही हूँ कि ये घड़ी दहेज के सामान में नहीं आई थी। अच्छा अच्छा मतलब घड़ी दी ही नहीं थी दहेज में। बढ़िया ही है। तो क्या बढ़िया है? कि शादी करो तो लड़की वाले दहेज में कूलर, कुर्सी, सोफा, पलंग, घड़ी सब खरीद के दें, और खाना भी अच्छा चाहिए, ऊपर से नगद पैसे भी। अब चलता है तो चलता है। किसी के चार पांच लड़के ही लड़के हों तो दहेज ले लेके ही अंबानी बन जाए। सॉरी, गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं बोलना था। अब तो गलती को सुधारो। ठीक है, सोफा, कुर्सी, पलंग सब बनवा देता हूँ। अपने भाई को बोलो ले जाए। अरे अब वापस करने की जरूरत नहीं है। ये तो साबित हो गया कि बेटी अब पराई हो चुकी है। तो दहेज लेते वक्त नहीं लेना था ना? सही कह रही हूँ, लेकिन तुम भी तो बंद करो। क्या बंद करो? अपने मायके से दहेज लेना, और क्या? मैंने कब दहेज लिया? अरे जितनी बार मायके जाती हो, मम्मी से नहीं कहती, मम्मी एक डब्बा अचार रख देना, दाल रख देना? अभी तो हर दूसरे महीने में मायके से मंगाती हो। ये तो प्यार है मम्मी का, दहेज थोड़ी है। वैसे भी मैं ना कहूँ तो मम्मी अपने आप रख देती हैं। हाँ तो मैं भी कह सकता हूँ कि सोफा, कुर्सी, पलंग प्यार है तुम्हारे मम्मी पापा का, दहेज थोड़ी है। हाँ लेकिन वो तो दहेज है जो लोग जबरदस्ती दबाव डाल के मांगते हैं, वरना शादी नहीं करते। हाँ ये तो गलत है, लेकिन फिर एक और बात गलत है, जहाँ शादी के लिए योग्य वर केवल सरकारी नौकरी वाला ही होता है। तुम हो सरकारी नौकरी में? नहीं ना, फिर भी मेरे पापा ने तुमसे शादी की ना मेरी। हाँ तो तुम्हारे पापा मुझे देख के ही समझ गए होंगे। क्या समझ गए होंगे? यही कि मेरी लड़की जितना मेरे सर में चढ़ी है, उतना इसके सर में भी चढ़ जाएगी। अच्छा, मैं सर में चढ़ी हूँ तुम्हारे? बात मत करना मुझसे आज के बाद। पता नहीं ये आज आएगा कब। अरे ये तो चलने लगी। लगता पति पत्नी के बीच में झगड़ा करवाने के लिए रुकी थी।